लॉकडाउन के चलते जहां पूरे करनाल में विकास कार्य रुक गए थे, वहीं अब लॉकडाउन 3 के अंतर्गत विकास कार्यों को नगर निगम की ओर से गति दी जा रही है। इसी कड़ी में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने वार्ड नंबर 4 के करण विहार करनाल में लगभग 1200 फुट के करीब सड़क के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ वार्ड की एमसी नीलम नौतना व समाज सेवी भूपेंद्र सिंह नौतना भी मौजूद रहे। करनाल में रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि इस सड़क पर 29 लाख रुपए के टेंडर किए गए हैं और पूरे की पूरी सड़क इंटरलॉकिंग टाइलों से बनाई जाएगी। मेयर ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देशानुसार करनाल में जहां जहां जरूरत है वहां पर लॉकडाउन के अंतराल में भी सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि आने वाली बरसात में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मेयर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार के साथ सहयोग करें। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचे और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस कोरोना से बचने का मूल मंत्र है, इसलिए सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें तथा मास्क जरूर पहनें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में देश को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं, जिसके तहत मध्यम वर्ग, किसान और मजदूरों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया गया है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। बड़ी खुशी की बात है, काफी लंबे समय से डिमांड थी सड़क के बारे में। ये करण विहार के अंदर जैसे एंट्री करते थे तो उबड़ खाबड़ रास्ता मिलता था। अब 14 नंबर गली तक, ये करण विहार की मेन रोड से 14 नंबर गली तक ये सड़क बनेगी और सभी जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं, ये मेन सड़क है, ये जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं बाहर से आएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे, तो उनको भी खुशी का एहसास होगा कि कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी यहाँ पर। कितनी लागत से सड़क बनेगी ये? 29 लाख की सड़क बनेगी, 29 लाख इसी के ऊपर टाइलें लगेंगी, 29 लाख की लागत है जो इसकी है। टाइमिंग क्या निर्धारित की गई है, कितने समय में बनेगी ये? मुश्किल से 1 महीना लगेगा बस इसके अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी, बल्कि पहले ही हो जाएगी। इसी के ऊपर टाइलें लगाई जाएंगी, इसका बेस बना हुआ है, बेस मजबूत है, तो इसी के ऊपर टाइल लगाने का हमने निश्चय लिया है। अक्सर देखा जाता है जो इंजीनियर होते हैं ना काम करते हैं, आप खुद एमसी हैं तो यह आपकी निगरानी में यह काम होगा? बिल्कुल, खुद खड़े होकर करवाएंगे और जैसे अपने घर का काम करवाते हैं वैसे ही अपनी सड़क का काम करवाएंगे, ताकि कोई परेशानी ना किसी। सड़क कहाँ तक बनेगी सर? 14 नंबर गली तक बनेगी। कुछ कहेंगे लॉकडाउन के बीच जो है करनाल में एक बार फिर जो है विकास की रफ्तार पकड़ दी गई है? लॉकडाउन के चलते बहुत सारे काम हमारे शहर के विकास कार्य रुक गए थे, पर लोगों को लगता है और बाकी हमें भी लगता है जो समस्याएं हैं, यदि लॉकडाउन का पीरियड हमारा इसी प्रकार चलता रहेगा तो बारिशों में लोगों को बहुत दिक्कत होगी, उनसे निपटने के लिए कि किसी और तरह की समस्या का लोगों को सामना ना करना पड़े। आज यहाँ वार्ड नंबर 4 में हमारे पार्षद नीलम नौतना जी और प्रतिनिधि के तौर पे भूपेंद्र नौतना जी, सुखवीर जी, जसवीर जी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। आज यहाँ एक सड़क जो 1200 फुट की बननी है, लगभग 29 लाख का ये टेंडर है, जो कि इंटरलॉकिंग टाइल से ये सड़क बनाई जाएगी। वैसे तो लॉकडाउन में बहुत सारे कामों को रोक दिया गया है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक सुझाव है और हमें इस बात के लिए आदेश भी है कि कहीं लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो उस काम को ज़रूर करवाया जाए, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। मैं लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, बाकी ठेकेदार अपनी स्पेसिफिक नेचर से इस सड़क को बनाएगा, पार्षद महोदय से देखते रहेंगे और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सड़क बनकर तैयार भी हो जाएगी। टाइलें रखी जाएंगी इस सड़क के ऊपर जी? इंटरलॉकिंग टाइल की ये सड़क बनेगी। मैडम, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था, देश को 20 लाख करोड़ की सौगात मिली है और 4.0 का जो लॉकडाउन है वो भी शुरू होने वाला है 18 मई से पहले, तो क्या कुछ एक लोगों को संदेश देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन के पीरियड में समय समय पर सबको प्रोत्साहित भी किया और सबको मोटिवेट किया इस बात के लिए, और मुझे लगता है उनके बोलने से एक साहस आ जाता है हम नागरिकों के बीच में कि कहीं ना कहीं हमें कोरोना को इससे ज़रूर लड़ना होगा और उसे हराना भी होगा।
कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ की सौगात आर्थिक पैकेज पूरे देश को दिया गया। और विशेष बात उन्होंने कही जो अपने देश को समृद्ध बनाने के, अपने देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो मेक इन इंडिया का लोगों को एक सुझाव दिया कि आप एक सुई से लेकर एक जहाज तक आप यदि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश की आर्थिक कंडीशन और ज़्यादा सुधरेगी और कहीं भी उद्योग को या कहीं किसी तौर पर सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार पूरी तरह से इस वैश्विक महामारी की स्थिति में हर तरह से लोगों को साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो समय समय पर इस तरह से हमें गाइड करते हैं। हर नागरिक, हर बच्चा, हर बड़ा, हर व्यापारी वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग है, उनसे जुड़कर अपना सा महसूस करता है और लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। 4.0 उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन शुरू होने वाला 18 मई से, पहले उसके नियम व शर्तें जो है दोबारा से बता दी जाए, तो कुछ लोगों के मन में है कि दोबारा से लॉकडाउन शुरू होना, उनके क्या कुछ कहना है, संदेश देने चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा क्योंकि कोरोना का खतरा अभी हमारे सिर से टला नहीं है। हमने लॉकडाउन 1 का पालन किया, हमने लॉकडाउन 2 का पालन किया, 3 का पालन किया, अभी ये लॉकडाउन 3 ख़त्म होने जा रहा है, लॉकडाउन 4 शुरू होगा, तो उसमें कुछ नियमों में चेंज के साथ साथ उसमें कुछ रूल्स चेंज होंगे, कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, पर फिर भी लोग, मैं समझती हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे जो 3 इसके सही बचाव के तरीके हैं उनका पालन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लड़ेंगे भी, हम काम भी करेंगे, हम मजबूत भी बनेंगे। उन्होंने कहा है कि यह हम 2 गज की दूरी भी रखेंगे, अपने आप को सैनिटाइज भी रखेंगे और मास्क भी पहनकर रखेंगे, अपने आप को कवर करके भी रखेंगे ताकि इस वैश्विक महामारी से मुक्ति पा सके। आज हम हमारे पार्षद और मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी समस्या को सुनकर इसको बनवाने का काम किया। ये हमारी डिमांड थी, 2 साल से चल रही थी, आज पूरी हो गई है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका भी धन्यवाद केवल वालों को। सुखवीर सिंह मेरा पूर्व पार्षद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.